स्केड्यूल? देखिए वो कब से कह रहे हैं मैंने केस कर दिया, लेकिन समन कहाँ है, नोटिस कहाँ है, ये मुझे अभी तक नहीं आया। जब मैं उन सबको ब्लॉक कर चुकी हूँ तो उसके मैं आज के बाद बात नहीं करूंगी इस टॉपिक पे। निकाह वली के बगैर नहीं होता, उन्होंने अपना निकाह खुद पढ़ाया था और धोखा तो उन्होंने किया है और फेक निकाह किया है। जैसे मैंने खुद के निकाह किया था फैमिली सब्सक्राइब गए, तो बस बीच में उनसे मिलती थी, मतलब कभी एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, कभी हम बाहर चले गए रात को वापस आ गए, मतलब इस तरह से। अब बेखबर थे उस बात से, पापा को नहीं पता था कि मैं निकाह हो चुकी है, फिर भी मैं उसकी बात पे यकीन करती थी। मुझे फिर से वो उल्लू बना दिया उसने, फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम्हारे साथ ताल्लुक है, मैं हर तरह से साबित करूँगी, तो मैं अपने कपड़े उतार दूँ। तो मैं उस टाइम अपने सेंस में नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आज हमारे स्टूडियो में हानिया, जो हानिया खुद को हानिया आमिर कहती हैं, वो मौजूद हैं। आज इनसे हम दो इंटरव्यू करेंगे, इसके यानी कि दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में ये खुद हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे हिस्से में क्या होना है वो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हानिया? हमें ये पता चला, मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये पता चला है कि अब बाकायदा उन्होंने केस कर दिया है और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने कहा कि मैंने शवाहद भी इकट्ठे कर लिए हैं और हानिया की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया है, मेरे घर में यानी मेरी दूसरी बीवी से डिवोर्स हो गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? हाँ, सबसे पहले तो सर आप बताइए, जब जैसे मैं वापस आई थी ईद के बाद, तो मैंने ये बता दिया था कि तूबा की और इसमें लड़ाई चल रही है और तूबा ने डिवोर्स के लिए केस किया है, तो ये तो इनकी पहले से लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उसकी वजह कुछ पता है आपको क्या थी? जी मुझे पता है, ये इनका शक करना, ब्लेम करना और बिला वजह रोक टोक करना। आप कोई भी लड़की ये पसंद नहीं करती कि उस पर शक किया जाए, उसका नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ा जाए और रोक टोक की जाए। अब जाहिर सी बात है, आप बेटियां जो होती हैं माँ बाप की लाड़लियाँ होती हैं, तो वो ना ये एक्सेप्ट कर रही होती हैं कि अगले खैर जब हम जाएं तो वहाँ पे भी हमें इतना ही प्यार मिले, ना कि हम किसी कैद खाने में चले गए हैं या हम किसी पिंजरे में बंद हो गए हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर वही इसी अपने पहले के सवाल की तरफ आता हूँ कि उन्होंने केस कर दिया और अब आपका क्या? जी इसके जो देखिए वो कब से कह रहे हैं मैंने केस कर दिया, लेकिन समन कहाँ है, नोटिस कहाँ है, ये मुझे अभी तक नहीं आया। तो पता नहीं कौन सी अदालत में उन्होंने केस किया। आपके ख्याल में उन्होंने केस नहीं किया? उसे मुझे डराने के लिए बोलते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, तो आपसे वो रابطہ किस तरीके से करते हैं? इसी वीडियो के जरिए उनका मैसेज पहुंचा या कोई और भी तरीका? पहले तो उनके फ्रेंड्स वगैरह काफी मुझे थ्रेट्स दे रहे हैं, मुसलसल रابطے में अभी तक। जब मैं उन सबको ब्लॉक कर चुकी हूँ तो उसके बाद ये जो है अब वीडियो के जरिए मुझे क्या थ्रेट्स देते हैं वो आपको? पहले जो है समीरा अजीज थी, एक जर्नलिस्ट थी, तो वो तो पाकिस्तानी नहीं है, वो नहीं नहीं यहाँ की नहीं, वो सऊदीया में है, उनके बाबा यहाँ के थे, तो वो इनके साथ मिली हुई थी, तो उन्होंने उसके जरिए वो मेरी फ्रेंड बन गई, उसने मुझे अप्रोच किया था, मैंने नहीं किया। उसके जरिए मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन तक जा रही, सारी इन्फॉर्मेशन वो जो है वो मुझसे ले लेकर उन तक पहुंचा रही थी, समीरा अजीज। तो ये बात में मुझे जब शक हुआ थोड़ा बहुत, जब भी मुझे कहती कि उनके खिलाफ बात नहीं करनी, इंटरव्यू नहीं देना, तो मैं कहती थी कि ये मुझे रोकती क्यों है हमेशा। तो एक दिन मैंने ज़िया का स्या मुगल का एक शो किया, जिसमें मैंने कहा कि मैं आज के बाद बात नहीं करूँगी इस टॉपिक पे। तो उसके बाद दोबारा से आमिर ने जब देखा कि ये बंद कर दिया, इसने बोला ये अपने कैरियर पे फोकस कर रही है, तो उसने दोबारा से बॉस लगा दी, देखा इसने तोहमत लगाई है मुझ पर, तो अब तो ये पीछे हटेगी, मतलब मुझे मेरी किरदार पर उनने उंगली उठाई, उनने मुझे बदजात कहा, दो नंबर कहा, गालियाँ दी। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आप इतने मजहबी स्कॉलर बनते हैं कि आपको ये जेब देता है कि आप एक लड़के को बदजात कहें, मेरी फैमिली पे उंगलियाँ उठाएं, आपकी अपनी भी एक बेटी, आप इस तरह से मुझ पे तोहमत नहीं लगा सकते। अच्छा नहीं है, वो उन्होंने ये भी दावा किया कि वो पूछेंगे कि डीएनए टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। जी सर, वो ये भी पूछेंगे कि आपका निकाह नामा कहाँ है, ये वली की इजाज़त के बगैर निकाह भी नहीं होता, तो इनका कैसे आप जवाब देंगे? सर बिल्कुल ये तो बात सही है कि निकाह वली के बगैर नहीं होता, उन्होंने अपना निकाह खुद पढ़ाया था और एक्सप्रेस टीवी में पढ़ाया था। आदिल सूरी मोइज़ उमर उनके साथ बराबर के शरीक थे और मेरे निकाह के गवाह वहाँ पर, और मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी ईमान, और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलता, वो आपने अपने पिछले शो में उससे बयान ले लिया था। तो अब ये कहना चाहते हैं कि डरा धमका कर इन्होंने वो निकाह नामा रजिस्टर नहीं करवाया। मैं कराची बार बार क्यों जाती थी, मैं इसीलिए गई हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर सारी इंक्वायरी करूँ और सारा केस का पता चलाऊं कि आखिर इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तो धोखा तो उन्होंने किया है,
और फेक निकाह किया मुझे। अच्छा हानिया, आपको उस, मैं फिर जरा थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, उस निकाह के बाद जो आपका एक टीवी प्राइवेट चैनल के ऑफिस में हुआ, उसके कितने अरसे बाद आपको पता चला कि मेरे साथ धोखा हो गया है या मेरे साथ फ्रॉड? एक साल तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। अच्छा, ठीक है। एक साल के दौरान आप उनसे तकरीबन कितनी बार मिली? वो मैं वहाँ पर गुलस्ताना जोहर में रह रही थी, मैंने अपना फ्लैट लिया हुआ था, उसके बाद मैं बुखारी में शिफ्ट हो गई थी। तो मतलब मुसलसल उनके घर में नहीं थी मैं। जी, उनके घर में नहीं थी मैं अपनी, मतलब जैसे मैंने खुफिया निकाह किया था फैमिली कुत्ता है बगैर, तो बस बीच में उनसे मिलती थी, मतलब कभी एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, कभी हम बाहर चले गए रात को वापस आ, मतलब इस तरह से बाहर खाना वाना खाते थे जी, सीवियो पे, क्लिफ्टन में, कभी होटल्स वगैरह में, जहाँ जहाँ जाती रही हूँ सब जगह। इस दौरान उन्होंने ज्यादा आपसे क्या बात की, क्या आपसे वादे वईद किए या क्या सुहाने ख्वाब? पहले तो वो बहुत, मतलब जब मैं कराची में थी बहुत अच्छा उनका मेरे साथ बिहेव था और खुश थे हम दोनों, लेकिन जब मैं घर आई तो जब वहाँ पर मेरी बहन आई थी कराची में, मेरी बड़ी बहन निदापी और अवैस भाई जब आए, तो हम लोग शॉपिंग के लिए गए हुए थे चेज वैल्यू सेंटर, तो वहाँ पर जब मैंने शॉपिंग कर ड्रेस वगैरह ले रही थी, तो मेरी आपी ने फ़ोन आ गया, तो उन्होंने मेरा मोबाइल उनके पास था, तो उन्होंने पिक कर लिया, तो उन्होंने बातें सुन ली और चैट देख ली, तो मेरी आपी को पता चल गई ये बात, तो उसकी वजह से वो आपी ने मुझे कहा कि अब इन्हें बोलो कि निकाह दिखाओ ना हमें, तो आपी ने कहा कि तुम मम्मा के साथ वापस जाओ फौरन, तो मैंने कहा आपी मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ, तो आपी ने कहा कि मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूँगी, तुम घर जाओ, नहीं तो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी। मेरे बाबा बेखबर थे इस बात से, बाबा को नहीं पता था कि मैं निकाह हो चुका है। उसने कहा मैं मामा को बताऊंगी सारी बात, तुम अभी और इसी वक्त घर जाओ, अगर तुमने इससे मिली या अब हमें बताए बगैर, तुम जितना तुमने जो कर लिया, उसने कहा कि फैमिली के बगैर निकाह नहीं होता, तो अगर तुम चाहो तो उसने इस बात पे, उसकी लड़ाई भी हुई थी मेरी बहन से ना काफी। अच्छा, उनके आमिर लियाकत की आपकी बहन से भी मुलाकात हुई है? जी, बड़ी आपी से, बड़ी आपी से जो कराची में, और उन्होंने इस चीज पे इसरार किया कि आप निकाह नामा रजिस्टर करवाएं या दिखाएं? उसने जब बोला कि मेरी काफी लड़ाई होगी ना हमारी, मैंने कहा मैं रहूंगी यहाँ पे, तो वो कहती है नहीं रहना, तो वो मुझे कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, छोड़ो इनकी बातों में ना आओ, तो मैं कराची मेरे पास आ जाओ, छोड़ो इन्हें ना, घर में भी ये कहता रहा था, लेकिन उस दौरान भी ये कह रहा था कि अपनी बातों में मुझे कह रहा था, और मैं अवैस भाई से निदा आपसे लड़े जा रही हूँ ना, मतलब जैसे एक दूसरे को दुश्मन बन जाता है, मैं बहुत उनसे गुस्से में बात कर रही हूँ, मेरी शादी होगी। उन्होंने कहा कि तुम इससे ये पूछो मेरे भाई ने और मेरी बहन ने कि निकाह नामा कहाँ रजिस्टर करवाया, निकाह नामा दिखाओ हमें पहले, तो जब वो निकाह नामा उससे मांगा तो वो कहते वो सूरी के पास पड़ा हुआ है एक्सप्रेस टीवी, तो मैं कल ले आऊंगा ना, कल ला के तुम्हें दिखा दूंगा, तो वो इस तरह से करके बात को गोलमोल करता रहा, उसने निकाह नामा नहीं लेकर आया, तो फिर भी मैं उसकी बात पे यकीन करती थी, मुझे फिर से वो उल्लू बना दिया उसने, फिर से बेवकूफ बना दिया। अच्छा, ये जो आपके निकाह नामे के जो आप बता रही है कि वहाँ पे जो गवाह थे जी, इस सारे वाक्य के बाद उनसे भी आपकी मुलाकात हुई कभी, और उनसे भी आपने अपनी दादरसी के लिए? बिल्कुल, मैंने उन्हें बहुत फोन किए, बहुत रब्ता किया उनसे, लेकिन वो बार बार डिनाई कर रहे हैं, वो पैसे लेकर आमिर लियाकत हुसैन से सारे बात, मुझे नहीं पता उनने पैसे लिए हैं या डरे हैं वो, ये तो अब अल्लाह की जात पे था जानती है, लेकिन वो मसलसल कह रहे हैं कि हम आने को जानते ही नहीं है। अच्छा, मतलब वो इससे इनकार करते हैं कि आपको जानते नहीं। अच्छा हानिया, अब मुझे आप ये बताएं कि अब एक बिल्कुल नई नैच पे जो है ना सारी बात पहुंच गई है, आप थोड़ी सी पिछले दिनों में हमें ऐसा भी लगा कि आप जिस तरीके से अग्रेसिव थी, जिस तरीके से आप उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी या मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, अब आप थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई थी, थोड़ी सी खामोशी आपने इख्तियार कर ली थी, इसकी क्या वजह थी, और अब आप जो फिर एक दफ़ा फ्रंट फुट पे आ गई हैं और फिर उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसकी क्या वजह? सर, इसकी वजह यह है कि पहले मैंने मीडिया में चीख चीख के बहुत टर्म से प्रूफ मैंने अपने दोनों मोबाइल मीडिया के सामने रखे थे, तो वो सिर्फ बातें कर रहा है, वो कहता है कि मेरा कोई लिंक नहीं है इस लड़की के साथ, तो मैं सबसे पहले तो ये चीज़ साबित करूँगी कि मेरा उसके साथ लिंक है। उसने मुझे कहा बदसात तोहमत लगा रही है मुझ पर, तो मैंने सबसे पहले तो ये साबित करना है कि मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक है, और दूसरा उसने कहा कि मैं ना स्क्रीनशॉट मेरे ना वॉइस मैसेज मेरे, तो वॉइस चेक भी हो जाती है किसकी वॉइस है किसकी नहीं, जो आपके सब क्लोज फ्रेंड है वो अच्छी तरह से जानते हैं। हानिया, ये जल्दी से बता दें कि वो आपके पास ऐसे कौन से ऐसे जबरदस्त सबूत हैं जो इतने कॉन्फिडेंस से आप ये कह रही हैं कि मैं अब साबित करूंगी, जबकि उनका ये दावा है कि मैं अब ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखें, मैं फिर कहता हूँ, मैं पहली मरतबा भी कहता कि वो एक मजहबी दानिश्वर हैं और एक एमएनए हैं, सियासतदान हैं,
लोग उनको एक और तरह से भी जानते हैं, तो आप किस तरीके से साबित करेंगे उनके खिलाफ ये सारी चीजें? सर एक जैसे आपने कहा वो एमएनए है, तो एक एमएनए का फर्ज होता है कि वो हाँ लड़की की रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, ना कि किसी की किरदार चले, ये तो लंबी बहस हो जाएगी कि सही है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो एक मजहबी स्कॉलर है, तो क्या एक मजहबी स्कॉलर को ये जेब देता है कि किसी लड़की को बदसात कहे, मुझ पर तोहमत लगाए और फिर बेसात इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू करे? अगर ठीक है मैं मानती हूँ कह रहे निकाह नहीं हुआ, हो सकता है उन्होंने निकाह का ड्रामा हुआ किया हो, नहीं हुआ होगा, जैसे मेरे माँ बाप नहीं है बीच, मेरी फैमिली वाले खुद कहते हैं कि वो निकाह नहीं होता जिसमें वेल डन ना हो। हाँ, ठीक है, अब आप किस तरह फिर साबित करेंगे? आप ये थोड़ी सी कमजोर विकेट पे है ना आप? जी जी मैं आपको बताती हूँ, आप जो उन्होंने चैट की है तो ये पाकिस्तान है, एक इस्लामिक मुल्क है, ये यूरोप नहीं है, तो क्या आप मंगनी के बाद आप इस तरह से इतनी बेहुदा बातें मुझसे करते रहे? तो ये कहाँ का इंसाफ है? वो आपके पास सबूत? जी वो सारे सबूत मेरे पास है। अच्छा, तो जो आपके साथ उनका एक ताल्लुक रहा है, जो मियां बीवी वाला ताल्लुक रहा है, उसको किस तरह साबित करेंगे आप? देखिए जब मैंने पहले कहा था कि डीएनए करवाएं, जब मैं गई थी एक्सप्रेस टीवी के बाहर और जब मैं लाहौर में थी तब मैंने कहा, तब वो बिल्कुल खामोश रहे क्योंकि उन्हें पता था कि मैं फंसूंगा। अब जब उन्होंने देखा कि 5 मंथ टाइम गुजर चुका है, तो आप वो इतने चला के खुद को बचाने के लिए आप वो कह रहे हैं कि अब डीएनए होगा, तो क्या आप, मुझे तो हंसी आ रही है उनकी इस बात पर। यही मेरा भी यही सवाल है ना कि जब देखे ना, जब किसी खातून को डिवोर्स हो जाती है या खुदा ना खास्ता वो बेवा हो जाती है, तो वो इद्दत के दिन इसीलिए गुजारती है कि उसके अंदर जिस्म के अंदर जो तब्दीली आई होती है वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। तो अब इतना अरसा गुजरने के बाद 5 मंथ बाद कौन सा डीएनए? हाँ यही, तो फिर आप किस तरह साबित करेंगे, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने खुद ही एक केस वीक किया, लेकिन जहां पर वो जो उन्होंने रिश्वत दी थाना बलोच कॉलोनी में, वो सब वहां पर कैमरास लगे होते हैं, सिर्फ एसपी और एसएचओ नहीं होता, एक अगर रिश्वत दे सकते तो उससे ऊपर भी होते हैं ऑफिसर। तो मैं हर तरह से साबित करूंगी और इंशाल्लाह ताला मेरे साथ अल्लाह की जात है, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, तो मुझे लगता है कि मैं ये केस जीत जाऊंगी और उनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने होगा इंशाल्लाह ताला। देखें जब आप अदालत में जाएंगी जी, अगर वो खुद बोले, आप देखें वो कितनी खूबसूरती से बोलते हैं, कितनी खूबसूरती से अपना दिफा करते हैं, कितनी खूबसूरती से वो हवाले देते हैं मजहबी चीज़ों के, मजहबी वाकयात के, तारीख के हवाले देते हैं, जबकि आप उस तरीके से, आप भी अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह, मैंने देखा कि आप भी अच्छे जवाब देती हैं और एक पढ़ी लिखी लड़की लगती है मुझे। मैं मजहबी स्कॉलर नहीं हूं ना, तो मुझे इतना नहीं पता। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप किस तरीके से उनका मुकाबला कर पाएंगी, ना आपके पास इतनी दौलत है, ना आपके पास इतने अच्छे वकील हैं, वो खुद भी बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके पास वकील भी बहुत अच्छे हैं और उनके पास शायद उनके साथ बहुत सारे लोग भी खड़े होने के लिए तैयार होंगे, आपके साथ कौन खड़ा होगा? निकाह के जो गवाह हैं वो भी आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो क्या पूरी दुनिया के मालिक तो वो नहीं है ना? ना वो मैं दुनियावी बात कर रहा हूं, है वो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने पावर को मिसयूज करेंगे। बेटा मैं दुनियावी बात कर रहा हूं ना कि ये दुनियावी जो सामने चीजें नजर आती हैं, तो इसमें आप एक कमजोर लड़की, एक गरीब बाप की बेटी, एक छोटे से इलाके में रहने वाली लड़की किस तरीके से अपना दिफा करेगी, क्या वो उसके लिए मजीद मुसीबतें नहीं पैदा हो जाएंगी? मैं शुरू दिन से सर मैं लीगल तरीके से काम कर रही हूँ, मैं कराची से ले गई थी और जब मैं एक्सप्रेस टीवी के बाहर गई तो इन लोगों ने मुझे पानी पिलाया सबसे पहले, ठीक है, सो लोग मुझे कह रहे थे साइको पागल, तो मुझे नहीं पता उस पानी में क्या चीज़ थी, वो पानी पीने के बाद मैं इतना तो मुझे मेरा दिमाग काम कर रहा था, इतनी सेंस थी कि मैं इसे कहने आई हूँ कि मुझे डिवोर्स दो बाहर निकलो, लेकिन फिर बीच में मैंने कुछ गालियाँ दे दी, कुछ मतलब मुझे उस पर गुस्सा था, मेरा दिल कह रहा था कि मैं तोड़ फोड़ कर दूँ, वो मेरे सामने आए तो उसका मुंह तोड़ूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, तो यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, जो उसने मुझे मेरे साथ जुलम किया, मुझे बंद करके रखा, मुझे टॉर्चर करता रहा, जो कुछ उसने किया, तो वहाँ पर जब मैं गई सबसे पहले उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया बोतल में, तो मैंने वो थकी हुई थी क्योंकि मैं ट्रैवल करके गई थी लाहौर से कराची, तो मैंने पी लिया पानी, अब मुझे नहीं पता था उस पानी में क्या था, फिर उसके बाद जब मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया उसके बाद एक लाइव सेशन में आपको याद होगा मैं कह रही थी कि ऊपर से वो देख रहे और नीचे नहीं आ रहा, तो जब मैंने कहा एक में मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए नाजेबा जो मुझे नहीं करने चाहिए था, जिस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने कहा कि अगर बाहर नहीं तुम निकलोगे तो मैं अपने कपड़े उतार दूँगी, तो मैं उस टाइम अपने सेंस में नहीं थी, सदमे में थी बहुत ज़्यादा, फिर उन्होंने कुछ पानी में, अब वो जानते हैं तो अल्लाह जानता है कि उन्होंने मुझे क्या दिया, तो उसके बाद जो है मैंने मुझे समझ नहीं आई, तो मैं इस तरह की
पे खुदा बस बातें करनी। अच्छा हानिया, आप चूंकि आप मेरे बच्चों की तरह है, मुझे कुछ सवालात पूछने में बड़ी दिक्कत भी होती है और मुझे बड़ी खुद शर्म महसूस होती है, लेकिन मैं एक बतौर साफी के मजबूर हूँ कि मैं वो आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि जो लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं वो भी ये चाहते हैं कि इसका कोई नखेड़ा हो, ये दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। अगर आप उन पे गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं तो आपको सज़ा मिले, अगर उन्होंने आपके साथ ज्यादती की है तो उन्हें सज़ा मिले, चाहे वो MNA है चाहे कोई भी। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट हुई तो एक ख़ास तरीकाकार होता है, आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे वो कहता है, वो कहती है, आपको एक रिपोर्ट बना के देती है, आपका मंथली चेकअप होता है, जो भी जितना अर्सा आप रही, या मैं मेरी पहले बात करूँ, जब आप कहती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं उनके ड्राइवर पे, उन्होंने आके आपके तशद्दुद किया जिसकी वजह से आपका वो जो था हमल था वो ज़ाया हो गया, तो इन सारी बातों के आपके पास कोई सबूत, किसी डॉक्टर को चेक कराया हो, कुछ उसकी रिपोर्ट्स पड़ी हो, कोई डॉक्टर से अगर को बुला के अदालत पूछे तो वो कहे वाकई ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल, सारा सबूत है मेरे पास है। मतलब ऐसा आपने चेकअप भी करवाया? तो चेकअप भी करवाया, सारा सबूत है मेरे पास और इंशाल्लाह मैं अदालत में पेश करूंगी। अच्छा, अब मेरा इंटरव्यू, अब इसके अलावा अगर कोई इस बात आपके जेन में है जो मैं नहीं पूछ सका, अगर आप वो कैमरे के जरिए कहना चाहते हैं मुख्तसर अल्फाज में कहिए। जी बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूंगी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस शो के जरिए, कि आमिर आप कहते हैं कि आप, मुझे ये भी नहीं पता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा है, तो मुझे ये बात पता है तो मैं उस टाइम अपने सेंस में नहीं थी। आपने जो मेरी वीडियोस एडिट करके लोगों को सुनवा रहे हैं, तो आप अपनी चैट क्यों नहीं सुना रहे? आपने मुझे क्या मैसेज किए, आप ये क्यों नहीं सुना रहे? और जब ये अभी तक मैंने FIM में नहीं गई, तो जब मैं FIM में जाऊँगी तो इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपके साथ मेरा अलेशन था। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? फिर आपने कहा कि मेरे बाबा आपके पास आए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पागल है तो आपके बच्चे से शादी कर बैठी है, तो लिहाजा आप इससे मिल रहे हैं, तो आपको ये बात साबित करनी होगी कि मेरे बाबा आपके पास आए। मेरे बाबा पार्लियामेंट लॉजिस्ट में अभी तक नहीं गए, हमेशा मैं वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे CCTV कैमराज लगे होंगे। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आनिया आपका। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आप तक कोई ऐसी बातें पहुँचाएँ जो हमारे इल्म में भी नहीं थी, जो किसी दूसरे के भी इल्म में नहीं थी, और ये अपना मौक़िफ़ बयान करें। और डॉक्टर आमिर लियाकत तो अपना वक्तन फ़वक्तन अपना मौक़िफ़ बयान करते ही रहते हैं, और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द इसका फ़ैसला करे, और जो हकदार है, वैसे तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको माफ़ करे, लेकिन जब इस तरह की बात हो जाए तो फिर हक वाले को हक मिलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।